बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह आपको सलामत रखे। और दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तो अभी हम हैं खारगाँव में। तो क्योंकि रात को आके यहाँ पे सो गए थे और वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, यहाँ पे आके सो गए थे क्योंकि आगे घाटी में चढ़ना था ना, तो उसकी वजह से यहीं पे सो गए। वहाँ पे रात को चोरी का ख़तरा होता है, बहुत मतलब रिस्की रोड है। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरा व्यू करवाऊँगा वहाँ का, कि जहाँ पर चोरी वगैरह और आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं। तो रात को हम खारगाँव में सो गए थे और मैं और राशिक भाई गाड़ी के ऊपर सो गए थे और दूसरे दो बंदे अंदर सो गए थे, क्योंकि हम चार बंदे हैं ना, तो इसीलिए हम रात को ऐसे सो गए। पहले सोए मार्केट में, वहाँ पे अंदर मच्छरों ने बहुत तंग किया, फिर वहाँ से निकल के आगे हम पेट्रोल पंप पे आगे सो गए थे। यहाँ पे रात को पार्किंग के 50 रुपये दे के आराम से सो गए थे। तो चलो करते हैं अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट आगे का, और दिखाते हैं हम आपको पूरा पालघाट का व्यू, जहाँ पे चोर आदिवासी लोग वगैरह लोग रहते हैं। तो वहाँ उसकी मतलब उसकी प्रॉब्लम की वजह से हम रात को यहाँ से निकले नहीं, क्योंकि क्या पता यार, रात को मैं पिछले चक्कर में ना मैंने मतलब लाइव देखा चोरी होते सामने, तो उसकी वजह से डर गया था मैंने करने का, तो इसलिए यहीं से हो जाते हैं। तो चलो जुड़े रहो वीडियो पे, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। Flashing lights dance with fire in the night, and we're watch the time pass us by. Is this feeling lying? Could you pass the lighter? Yeah, I'm trying to keep my cool. Nicotine in my veins, flaming up to size. What am I supposed to do? Yeah.
दोस्तों दिन के बज गए 10। तो अभी हम पहुंच गए पाल। जैसे पाल से पहले ही एक होटल आता है जम्मू वाला, ये मेरे बैक साइड में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी ली और साबुन वगैरह भी लिया, क्योंकि नहाना पड़ेगा आगे कहीं जाके सऊदा में। तो चलते हैं भाई यहाँ से। आपने पीछे देख लिया होगा जो कि रोड, मतलब सिंगल रोड आता है यहाँ से पाल में। तो ये बहुत रिस्की रोड रहता है, क्योंकि इसमें नाइट में चलने से बहुत हरियास दिक्कत आती है। और उसकी वजह से हम रात को पीछे से हो गए थे खरगाऊँ में, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम में ना बहुत इमरजेंसी होती है, बहुत मतलब चोरों की और इसकी चोर वगैरह होते हैं। पिछली चक्कर में ना हमने ऑनलाइन देखा या फिर यार मतलब लाइव देखा कि चोरी होते हैं, उसकी वजह से हम यहीं पर रुक गए थे, मतलब खरगाऊँ में रुक गए थे। और सुबह वहाँ से 8 बजे वहाँ से हम निकले आराम आराम से, और चलते आए और वीडियो भी शूट करते आए आराम से, और थोड़ी बहुत रीलें वगैरह भी बनाते आए। तो चलो भाई चलते हैं। देखिए भाई वो वाली बैक साइड है ना, वहाँ पे हमें उस साइड में जाना है। तो यहाँ पे देखिए अपना जैगवार, अपने जैगवार का भी थोड़ा मैं आपको करवा देता हूँ, व्यू दिखा देता हूँ भाई। देखिए तो इस साइड से हम आए थे। बाय बाय। दोस्तों दिन के बज गए 1, हम पहुंच गए अभी सऊदा। और खाना वगैरह आप देख सकते हैं, हमारा चिकन जो है ना फ्राई हो चुका है, अभी टमाटर प्याज लगा रखा है भाई, और शकील भाई खुद बना रहे हैं अभी सब्जी। तो इनका नाम भी शकील, भूख लग गई यार भाई को, भूख लग गई क्योंकि आज हमारे साथ आया था ना। तो चलो भाई बनाओ जल्दी करो, आप भी हम भी खा लेंगे। और नज़ाकत भाई को थोड़ी प्रैक्टिस दे रहे हैं भाई, इसको मतलब प्रैक्टिस कैसे बनाना है क्या करना है, बहुत मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा भाई को, अभी नया बंदा है। और राशिक भाई देखो ये दानवल वगैरह जो है ना, इधर प्याज काट रहा है, मर्ची काट रहा है। तो सऊदा में भाई अभी, तो अभी यहाँ से क्या करेंगे, हम निकलेंगे यहाँ से जल्दी जल्दी, और एक भाई को मिलना है, उसके लिए मतलब थोड़ा काम था, तो उसको मिल के मुलाकात करके और यहाँ से निकलेंगे जल्दी जल्दी। गर्मी है यार बहुत इधर, हाँ देखो पसीना, कश्मीर की आदत है ना हमें, कश्मीर में बहुत ठंडी है भाई। आगे इधर ये क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको क्या बोलते हैं अपना, पानी पूरी, पानी पूरी खा रहे हैं शकील भाई, गोलगप्पे, गोलगप्पे रासिक भाई भी खा रहे हैं गोलगप्पे। खट्टा लगा रासिक भाई बहुत, मीठा कम डालो, बहुत टेस्ट है भाई। दोस्तों सौदा क्रॉस कर चुके हैं, तो अभी हम आए शकील भाई और मैं केले के बगीचे में। तो शकील भाई खुद केले, आज इसने सोचा कि मैं केले खरीदूंगा भाई खुद, मतलब यहाँ से डिलीवरी करूंगा कश्मीर के लिए, क्योंकि अच्छी क्वालिटी वाले देख के। और शकील भाई खुद देखेंगे, शकील भाई आप चेक करो केले कहाँ पे अच्छे हैं, और वापसी पे खरीद के हम अपने केले आज खरीद के हम यहाँ से डाइवर्ट करेंगे श्रीनगर के लिए। यहाँ से थोड़ा बड़ा केला भी है, बड़ा बड़ा केला। और हम आ गए अंदर भाई, और अपना जगवार वहाँ पे है देख लो, वो खड़ा है अभी तो खाली नहीं किया, इसमें अभी एप्पल लोड है। और पहले जाते हैं अंदर बगीचे में भाई, डर लग रहा है यार इधर, तो डर लग रहा है शकील भाई। देखो केले की तरह अभी छोटे हैं भाई, देखो बिल्कुल अभी छोटे केले, जैसे कि 20-25 दिन में ये बड़े हो जाएंगे, लेकिन इसमें खास केले नहीं है। तो चलते हैं अंदर चेकिंग के लिए।
दोस्तों फाइनली 4 बज चुके हैं, तो अभी 4 बजे हम खाएंगे खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और गाड़ी में डीजल वगैरह भी डलवाया और यहाँ पे थोड़े ढाबे पे फ्रेश वगैरह हुए वहाँ पे, और ये देखो ढाबा साइड पे, और खाना तो हमारा अपना ही है गाड़ी में बना हुआ। ये रही सब्ज़ी, देखो भाई चिकन, और यहाँ पे रहा चावल, तो खा रहे हैं अभी खाना। तो चलो मिलते हैं हम आपको खाना वगैरह खा के।